नमस्कार दोस्तों, प्रेम जिद से नहीं भाग्य से मिलता है। तभी तो कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता भी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं आज क्या कहती है, आपकी राशियां कैसा रहेगा, आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है। दोस्तों को महसूस करेंगे और शायद किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद महसूस हो रहा हो। आपके अंदर की यह सकारात्मकता आपको अधिक सफलता और सुख की ओर ले जा सकती है। आपका अपने राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वालों का 29 अप्रैल दिन सोमवार कैसा रहने वाला, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी यहां मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देख। दोस्तों आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑनल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आज की तिथि है पंचमी, आज का नक्षत्र है पूर्वसाना, नक्षत्र पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, आज सूर्यदेव उदय होंगे। सुबह 5:14 पे सूर्यदेव अस्त होंगे, शाम 6:08 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 9:13 से सुबह 11:13 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:07 से दोपहर 3:37 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं डिप्रेशन होने पर बिल्कुल ना घबराएं। जी हाँ दोस्तों, गाने सुनना और गाना गाना डिप्रेशन के लिए एक थेरेपी की तरह है। रिसर्च की माने तो अच्छे और खुशी वाले गाने सुनने से हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं और आपका मूड अच्छा होता है। वहीं किसी के साथ भी एक प्यार भरा हक करना आपकी डिप्रेशन की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। हक करने से आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है, साथ ही आपको एक सहारा मिलता है। वहीं बर्फ के पानी से मुंह धोने से आप में मांसपेशी एक्टिव होती है, साथ ही दिमाग भी शांत होता है जिससे डिप्रेशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से किसी विशेष कार्य को लेकर चल रहे प्रयासों में गति आएगी और सफलता भी मिलेगी, साथ ही आप दूसरों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। किसी भी विषम परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बना रखना आपके विघ्नों को दूर करेगा। कोई भी कार्य करते समय विवेक और धैर्य से काम ले, क्योंकि भावनाओं में लिए गए निर्णय नुकसानदायक शायद होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय लापरवाही न करें, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। बिजनेस में कर्मचारी और स्टाफ से मदद मिलेगी, किसी प्रोजेक्ट में रुकावटें आ सकती हैं परंतु मेहनत से परेशानियां दूर होंगी। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से राहत और सुकून महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य के अभाव की वजह से थोड़ी बहुत दूरियां आ सकती, साथ ही आपको बताएं किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी, जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था आज उन्हें नुकसान होने की प्रबल संभावना। सट्टेबाजी से दूर रहने की आज आपको सलाह दी जाती है। वहीं आपका मजाक या स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा दे। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीत दिनों पूरे नहीं हो पाए। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रूमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाए, परंतु ध्यान रहे वाहन चलाते समय तो आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। साथ ही आपको बताएं आज विशेष ध्यान रखें कि व्यर्थ की चीजों पर पैसे खर्च ना हो, क्योंकि इससे आपका बजट खराब हो सकता है। परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग आ सकता है
जिसकी टोका टाकी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप अपना समय घर से बाहर बिताना ही पसंद करेंगे। दोस्तों, आपकी प्रवृत्ति आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते। तो दोस्तों, प्रेम जीवन में किसी कारण से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस राशि के कई जातक अपने प्रेमी को मनाने की कोशिश करते हैं और यह नोकझोंक पूरे दिन चलती रहती है। इससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे प्रेम में गहराई आती है और दिन ढलने के बाद आप यह बात अनुभव करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कल कुछ समस्याएं आई थीं, लेकिन आज यह समस्या धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। परंतु आपको शांत रहना है और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना है। हालांकि कल यह रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबंधकताओं को नवीनीकृत अथवा पुनर्जीवित करने का समय अब बात करें। दोस्तों, आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आज आप कार्यक्षेत्र में अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपको थोड़ा निराश हो। इस स्थिति में अपनी हार बजाने की बजाय आपको अपने काम को पूरा करने और नई योजना को परिष्कृत करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपके जूनियर्स को भी प्रोत्साहन महसूस होगा और वे आपके काम में मदद करेंगे। व्यवसाय में पड़े जातकों को आज निवेश की स्रोत बढ़ाने और न आय के नजरिए को तलाशने की जरूरत है। इससे आप भविष्य में किसी भी स्थिति में समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह था राशिफल रोज की कुंभ राशि। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओनल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा। उनसे आप जितनी भी प्रार्थना करोगे दोस्तों, माता रानी आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगी और आपके कार्यरत रूपी में भी काफी हद तक बदलाव होते हुए नजर आएगा। दोस्तों, दूसरों की मदद करने से पहले आप स्वयं के कार्य रूप का ध्यान रखें। अपना काम दोस्तों पूरा करें, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी स्वार्थी आप लोगों को होना विशेष रूप से सावधायक रहेगा। जुड़े हुए विचारों पर ध्यान दें, लेकिन सोच समझ करके ही दोस्तों अमल करें। सेहत सुधारने के लिए सही डॉक्टर से आप लोगों को परामर्श पर करना है। परिवार के साथ में दोस्तों किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम हो सकता है, तो विश्राम और मनोरंजन में समय बीत सकता है। बच्चों की सफलता घर में उत्साह का माहौल बनाएगी। आलस के कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं, इसलिए आप अपनी ऊर्जा बनाए रखें। आर्थिक मामलों में गलती होने की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, आर्थिक मामलों में जरा सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। एक एक कदम संभल के रखिए। मामला गर्म है, समय अनुकूल है। अपनी प्रतिभा को निखारने का दोस्तों अधिक मौका आप लोगों को मिलने वाला है। आप में मित्रों दोस्तों जो प्रतिभा है उसे बाहर आने का मौका दे। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में कोई निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। किसी खास योजना पर भी कार्य शुरू करने का मौका मिलेगा। अपने किसी नजदीकी संबंधियों के मुश्किल समय में काम आना आप लोगों को आत्मिक खुशी देगा, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के बुरे वक्त में अपना साथ दे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।